अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सेमेंटिक थ्योरीज का बैकग्राउंड पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि सेमेंटिक थ्योरी कैसे इमर्ज हुई और इसका मतलब क्या है। हमारे साथ डिफरेंट सेमेंटिक थ्योरी है, जैसा कि रेफरेंशियल थ्योरी, मेंटलिस्ट थ्योरी, बिहेवियरलिस्ट थ्योरी, मीनिंग एज यूज्ड थ्योरी, वेरिफिकेशनिस्ट थ्योरी, ट्रूथ कंडीशनल थ्योरी। याद रहे कि सेमेंटिक में जितनी भी थ्योरी है एक भी परफेक्ट नहीं है। हर एक पहले थ्योरी में वीकनेसेस होती है, जब दूसरी थ्योरी आती है उन वीकनेसेस पर काम करती है और इस तरह से थ्योरी सेमेंटिक में आगे बढ़ती है और मीनिंग का जो सिलसिला है, प्रोडक्शन है, वो आगे जा रहा है और आज भी इस पर काम हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, लोग रिसर्च करते हैं इस टॉपिक पर। पढ़ते हैं सेमेंटिक थ्योरीज का बैकग्राउंड। एज वी ऑल नो दैट सेमेंटिक में हम मीनिंग को डील करते हैं। दो लैंग्वेजेस की सेमेंटिक सेम नहीं होते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। हाँ, अगर कुछ वर्ड सेम भी है दो लैंग्वेजेस में, लेकिन उनके फिर मीनिंग डिफरेंस होते हैं। तो इस वजह से सेमेंटिक में हम मीनिंग को डील करते हैं। अगर मीनिंग दो लैंग्वेजेस में मीनिंग डिफरेंट है, इट मींस दो लैंग्वेजेस के सेमेंटिक सेम नहीं हो सकते। जनरली हम सेमेंटिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश का सेमेंटिक फ्रेंच के सेमेंटिक से डिफरेंट है। इट मींस दैट टू लैंग्वेजेस हैज टू डिफरेंट सेमेंटिक्स। हाँ, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के सेमेंटिक को हम पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेमेंटिक ऑफ इंग्लिश या सेमेंटिक ऑफ उर्दू इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट हो। फॉर द फर्स्ट टाइम लेट 19th सेंचुरी में मिशेल ब्रेल ने सेमेंटिक एज अ वर्ड यूज़ किया। उसके बाद 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा काम सेमेंटिक पर शुरू हुआ, मीनिंग पर काम शुरू हुआ। और 20th सेंचुरी में सर जॉन लॉयंस आता है, एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट है, वो ये कहता है कि हमारे साथ कुछ फिलोसॉफिकल थ्योरीज है मीनिंग की। ठीक है, वो सारे की सारी जितनी भी थ्योरीज हैं वो एक ही क्वेश्चन के आंसर ढूंढता है, व्हाट इज मीनिंग। जितनी भी सेमेंटिक्स की थ्योरीज हैं वो एक ही क्वेश्चन के अराउंड घूमता है कि व्हाट इज मीनिंग। याद रहे कि व्हाट इज मीनिंग का जो क्वेश्चन है वो अरिस्टोटल और प्लेटो के वक्त से आता रहता है, लेकिन लिंग्विस्टिक में 19 और 20 सेंचुरी में सेमेंटिक्स और सेमेंटिक थ्योरीज की मद में मीनिंग पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की गई है। इनमें से 19 सेंचुरी में फ्रेक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और 20 सेंचुरी में बर्ट्रैंड रसेल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है।